जन्म से पहले अपनी कोख में पल रहे बच्चे का पता लगाने पर अपने डॉक्टर पति कमल खुराना और ससुराल वालों के खिलाफ जब डॉक्टर मीतू ने लड़ाई छेड़ ही दी थी तो उन्होंने हर वो सबूत भी जुटाया जिससे ये साबित होता हो कि उनकी जानकारी के बिना उनका सेक्स डिटरमाइनिंग टेस्ट करवाया गया। मीतू के पास RTI की रिपोर्ट से लेकर मेडिकल इंक्वायरी तक का हर वो रिकॉर्ड मौजूद है जिससे उनके मामले में फॉर्म F न भरे जाने की बात साफ होती है। कानूनी जानकारों की माने तो सोनोग्राफी करवाने से पहले फॉर्म F का ना भरवाया जाना ही PCPNDT एक्ट के तहत आरोपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। जो अहम इसके अंदर प्रोविजन है PCPNDT के अंदर वो सेक्शन 5 है, 4 और 5 जो उसमें होता है, उसमें यह है कि रिकॉर्ड सारे मेंटेन करना जरूरी है डॉक्टर को, और उसके अंदर ये फॉर्म F बहुत अहम भूमिका उसमें रखता है, अदा करता है। तो अगर किसी भी डॉक्टर ने फॉर्म F नहीं भरा है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि उसने इसके अंदर अपराध किया है सेक्स डिटर्मिनेशन का। डॉक्टर मीतू की शिकायत पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जिला मेडिकल सुपरवाइजर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उसने मामले की जांच की। कमेटी ने भी माना कि डॉक्टर मीतू के मामले में हासिल किसी भी रिकॉर्ड से फॉर्म F के भरे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस जुर्म में उनके पति के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बात कहते हुए कमेटी ने डॉक्टर कमल खुराना को आरोप मुक्त घोषित कर दिया और कमेटी का यही स्टेटमेंट अब मीतू के गले की फांस बना हुआ है। नहीं, ये चीज़ तो माना है कि किसी ने फीटल अल्ट्रासाउंड नहीं मांगा, फिर भी किया गया, एग्रीमेंट का भी मेंशन किया है, पर साथ में फिर ये लिख दिया कि जो पिछले इंक्वायरी कमेटी है वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने बहुत अच्छी इंक्वायरी की है, और इस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है इसकी वजह से इस पेपर को लेकर आज मेरे हस्बैंड कोर्ट में हर केस में उनको फ़ायदा मिल रहा है, और 1.5 साल से मैं हर उस पर जा रही हूँ कि प्लीज़ इस रिपोर्ट को बदल दो, पर गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू चेंज दिस फॉल्स रिपोर्ट। स्टेटमेंट बदलने के लिए डॉक्टर मीतू दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य मंत्री से भी मदद की गुहार कर चुकी हैं। डॉक्टर मीतू की माने तो सरकार ने भी उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि सरकार कहती है कि वो नीतू को इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट बिल्कुल नीतू खुराना के साथ है, उसके साथ अन्याय हुआ है और उसकी वजह से कुछ अफसरान को भी बदला गया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और CDMO और इत्यादि, जहां हमें लगा कि कहीं भी किसी तरह की ढील ना हो हमने एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बदला है, और पहली दफ़ा जो अस्पताल कंसर्न है उन लोगों को भी नोटिस दिया गया है आने के लिए कोर्ट में। जाहिर है सिर्फ हाथ में पोस्टर पकड़ लेने और स्लोगन बना देने से कानून को मान्यता नहीं मिलती। किसी भी कानून को बना देने का फायदा तब मिलता है जब उस कानून के तहत दोषी करार दिए जाने के डर से कोई व्यक्ति जुर्म करने से डरता, वरना कानून जुर्म पर लगाम कसने वाला हथियार कम और हाथ के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली ज्यादा नजर आता है। जन्म से पहले शिशु के जीने मरने का फैसला करने वालों को यदि यूं ही रियायत मिलती रही तो क्या कभी समाज में लिंग अनुपात फिर संतुलित हो पाएगा, जरा सोचिए। ये कहानी तो मीतू और उसके संघर्ष की है, लेकिन सवाल उन तमाम लोगों पर भी उठाती है जो खुद को खुले विचारों वाला और मॉडर्न होने का दावा करते हैं। साथ ही दर्शाती है समाज और उस सत्ता की खोखली तस्वीर को भी जो शिक्षित होने के बावजूद आज भी अपनी दकियानुसी सोच से बाहर नहीं निकल पाई है। कैमरामैन सुधीर के साथ प्राची, टोटल TV, दिल्ली। जन्म से पहले अपनी कोख में पल रहे बच्चे का पता लगाने पर अपने डॉक्टर पति कमल खुराना और ससुराल वालों के खिलाफ जब डॉक्टर मीतू ने लड़ाई छेड़ ही दी थी तो उन्होंने हर वो सबूत भी जुटाया जिससे ये साबित होता हो कि उनकी जानकारी के बिना उनका सेक्स डिटरमाइनिंग टेस्ट करवाया गया। मीतू के पास RTI की रिपोर्ट से लेकर मेडिकल इंक्वायरी तक का हर वो रिकॉर्ड मौजूद है जिससे उनके मामले में फॉर्म F न भरे जाने की बात साफ होती है। कानूनी जानकारों की माने तो सोनोग्राफी करवाने से पहले फॉर्म F का ना भरवाया जाना ही PCPNDT एक्ट के तहत आरोपी को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी है। जो अहम इसके अंदर प्रोविजन है PCPNDT के अंदर वो सेक्शन 5 है, 4 और 5 जो उसमें होता है, उसमें यह है कि रिकॉर्ड सारे मेंटेन करना जरूरी है डॉक्टर को, और उसके अंदर ये फॉर्म F बहुत अहम भूमिका उसमें रखता है, अदा करता है। तो अगर किसी भी डॉक्टर ने फॉर्म F नहीं भरा है तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा, ये उसमें लॉ में लिखा हुआ है कि उसने इसके अंदर अपराध किया है सेक्स डिटर्मिनेशन का।
डॉक्टर मीतू की शिकायत पर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के जिला मेडिकल सुपरवाइजर की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और उसने मामले की जांच की। कमेटी ने भी माना कि डॉक्टर मीतू के मामले में हासिल किसी भी रिकॉर्ड से फॉर्म एफ के भरे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस जुर्म में उनके पति के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बात कहते हुए कमेटी ने डॉक्टर कमल खुराना को आरोप मुक्त घोषित कर दिया और कमेटी का यही स्टेटमेंट अब मीतू के गले की फांस बना हुआ है। ये चीज तो माना है कि किसी ने फीटल अल्ट्रासाउंड नहीं मांगा, फिर भी किया गया, एग्रीमेंट का भी मेंशन किया है, पर साथ में फिर ये लिख दिया कि जो पिछली इंक्वायरी कमेटी है वो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने बहुत अच्छी इंक्वायरी की है, और इस इंक्वायरी कमेटी की जो रिपोर्ट है इसकी वजह से इस पेपर को लेकर आज मेरे हस्बैंड कोर्ट में हर केस में उनको फायदा मिल रहा है, और 1.5 साल से मैं हर उस पर जा रही हूँ कि प्लीज़ इस रिपोर्ट को बदल दो, पर गवर्नमेंट इज़ नॉट रेडी टू चेंज दिस फॉल्स रिपोर्ट। स्टेटमेंट बदलने के लिए डॉक्टर मीतू दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य मंत्री से भी मदद की गुहार कर चुकी हैं। डॉक्टर मीतू की माने तो सरकार ने भी उनके मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जबकि सरकार कहती है कि वो नीतू को इंसाफ दिलवाने की पूरी कोशिश कर रही है। जाहिर है सिर्फ हाथ में पोस्टर पकड़ लेने और स्लोगन बना देने से कानून को मान्यता नहीं मिलती। किसी भी कानून को बना देने का फायदा तब मिलता है जब उस कानून के तहत दोषी करार दिए जाने के डर से कोई व्यक्ति जुर्म करने से डरता, वरना कानून जुर्म पर लगाम कसने वाला हथियार कम और हाथ के इशारों पर नाचने वाली कठपुतली ज्यादा नजर आता है। जन्म से पहले शिशु के जीने मरने का फैसला करने वालों को यदि यूं ही रियायत मिलती रही तो क्या कभी समाज में लिंग अनुपात फिर संतुलित हो पाएगा? जरा सोचिए। ये कहानी तो मीतू और उसके संघर्ष की है, लेकिन सवाल उन तमाम लोगों पर भी उठाती है जो खुद को खुले विचारों वाला और मॉडर्न होने का दावा करते हैं। साथ ही दर्शाती है समाज और उस सत्ता की खोखली तस्वीर को भी जो शिक्षित होने के बावजूद आज भी अपनी दकियानुसी सोच से बाहर नहीं निकल पाई है। कैमरामैन सुधीर के साथ प्राची, टोटल टीवी, दिल्ली। MBBS कर चुकी डॉक्टर मीतू एक डॉक्टर की ही बेटी हैं। आज से लगभग 5 साल पहले डॉक्टर मीतू की शादी ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर कमल खुराना से हुई थी। डॉक्टर मीतू खोसला से खुराना बनी और 1 साल के भीतर ही गर्भवती हो गईं। लेकिन उनके पति को बच्चे के होने से ज्यादा चिंता मीतू की कोख में पल रहे बच्चे के लड़का या लड़की होने की थी। मीतू की माने तो अपनी इसी चिंता को खत्म करने के लिए उनके पति ने एक दिन धोखे से उनका सेक्स डिटरमाइनिंग टेस्ट करवाया। दोनों बेटियां हैं तो इनका अबॉर्शन कराओ। मैं रिजिस्ट कर रही थी तो उन्होंने मुझे अंडा खिला दिया। जब मैं 16 वीक्स प्रेग्नेंट थी, मेरे को अंडे से एलर्जी है, और जब मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे मेरे को 16 वीक्स की प्रेगनेंसी में अंडे की एलर्जी की वजह से लेबर रूम में एडमिट करा गया, जबकि करना मेडिसिन डिपार्टमेंट में करना चाहिए था। टेस्ट से अनजान मीतू कुछ दिनों से अपने पति और ससुराल वालों के बदले व्यवहार से काफी परेशान थी, लेकिन टेस्ट की रिपोर्ट हाथ लगने के बाद इसकी वजह जानते मीतू को देर न लगी। दरअसल रोहिणी स्थित जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में मीतू का किडनी यूरेटर ब्लैडर टेस्ट के नाम पर सोनोग्राफी की गई थी। रिपोर्ट ने उनके पेट में पनप रही 2 जुड़वा बेटियों के होने की जानकारी दी थी। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई गई जिसमें ये फैक्ट सामने बिल्कुल बारी बारी आ रहा है कि फॉर्म एफ मेरे केस में नहीं भरा गया, और जो अल्ट्रासाउंड का जो रिकॉर्ड मई में दिया गया था एप्रोप्रिएट अथॉरिटी को, जो जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था उस मंथली डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड में भी मेरा नाम नहीं था, यानी कि मेरे केस में फॉर्म एफ कभी भरा ही नहीं गया। और लॉ यह कहता है कि अगर फॉर्म एफ किसी केस में मिसिंग है या उसमें कोई खामी है तो वो सेक्स डिटर्मिनेशन माना जाए। डॉक्टर होने के बावजूद उनके पति द्वारा ऐसी हरकत करने पर उन्हें शर्म तो काफी महसूस हुई, लेकिन शादी बचाने के लिए डॉक्टर मीतू जन्म के बाद अपनी 2 बेटियों में से एक को गोद देने के लिए भी तैयार हो गई। लेकिन बात जब यहाँ भी संभलती नहीं दिखी तो एक पत्नी पीछे रह गई और अपनी दोनों बच्चियों का जीवन बचाने के लिए एक माँ अपने पति का घर छोड़ अपने मायके आ गई। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए बने कानून PCPNDT एक्ट के तहत डॉक्टर मीतू ने डॉक्टर कमल खुराना के खिलाफ केस दर्ज करवाया और इस एक्ट के तहत शिकायत दर्ज करवाने वाली देश की पहली महिला बन गई। कहते हैं शिक्षा सोच बदल देती है, लेकिन कई बार व्यक्ति के दिमाग पर रूढ़िवादी मान्यताएं इस कदर हावी हो जाती हैं कि उनके आगे शिक्षा और समझ दोनों को हार माननी पड़ती है, और यही हार जाती है जुर्म के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ भी। कैमरामैन मुकेश के साथ प्राची, टोटल टीवी, दिल्ली।